कचरी नहीं है, चाइनीज पराठा है। हम लोग पहले बार जब दुकान खुला था तो पहला कस्टमर चाइनीज था, इसीलिए सबसे नाम हो गया चाइनीज पराठा। देख लो थिकनेस सही है, ये थोड़ा स्पाइसी है। हाँ अच्छा, क्या करिए कचौड़ी के साथ सब्जी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सब्जी है। तो अगर कोई दो कचौड़ी लेके अनलिमिटेड सब्जी मांगे तो दे देंगे, अनलिमिटेड कितना खाएंगे? हाँ दो कचौड़ी के साथ कितना खाएंगे, दो कटोरी खाएंगे और कितना खाएंगे भैया? आपका दुकान है, कुछ नाम है स्पेशल? हाँ दुकान का नाम है, तो दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम नटराज पराठा शॉप। अच्छा, और ये आपके कचौड़ी का नाम क्या है? कचौड़ी नहीं है, चाइनीज पराठा है। ये चाइनीज पराठा, इसका नाम चाइनीज पराठा क्यों पड़ा? हम लोग पहले बार जब दुकान खुला था तो पहला कस्टमर चाइनीज था, इसीलिए सबसे नाम हो गया चाइनीज पराठा। कितना साल पुराना है? 20 साल पुराना हो गया। 20 साल पुराना। टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग क्या रहता है इसका? टाइम सुबह 6 बजे तक, बेले 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक। मतलब 1 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाता है ना? सब कुछ खत्म हो जाता है। कौन से दिन खुला रहता है? 8 दिन खुला रहता है। अच्छा, मंडे टू संडे? 8 दिन खुला रहता है। तो कभी भी आके आप लोग खा सकते हो। थिकनेस देखो एकदम बढ़िया है, देख लो थिकनेस सही है, ये थोड़ा स्पाइसी है। हाँ अच्छा, अंडा का सब्जी, क्या ही थिकनेस है गाइस अंडा का सब्जी। तो मैंने सुना है कि कचौड़ी के साथ सब्जी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सब्जी है। तो अगर कोई दो कचौड़ी लेके अनलिमिटेड सब्जी मांगे तो दे देंगे, अनलिमिटेड कितना खाएंगे? हाँ ये दो कचौड़ी के साथ कितना खाएंगे, दो कटोरी खाएंगे और कितना खाएंगे? तो कचौड़ी आपके कचौड़ी के साथ आपको सब्जी अनलिमिटेड मिलेगा, आप लोग जितने बार भी रिफिल करवा सकते हो। तो इस दुकान पे आप लोग जैसे 5 जन है, तो मतलब आप लोग सब पार्टनरशिप में है या कोई एक ओनर है? अच्छा, तो आप लोग मतलब एक साथ मिलके दुकान खोले देंगे? मिलके दुकान चलाते हैं। अच्छा बहुत सही है। तो क्या कर वैसे पराठा का प्राइस क्या है? क्या प्राइस? चट्टा पराठा सब्जी देके 20 रुपया। अच्छा, और अंडा का सब्जी अलग से लेना पड़ेगा? अंडा का सब्जी अलग से लेना? अंडा का अलग से। तो एक अंडा का 10 रुपया ना? 10 रुपया, कभी कभी भाव बढ़ते हैं। अच्छा, अंडा का अच्छा भाव बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। अच्छा, अभी 12 रुपया होगा, ठीक है। 12 रुपया से ज्यादा नहीं होता, 10 रुपया 12 रुपया। अभी ठंडे का मौसम है, अंडे का भाव बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा सा अंडा 2 रुपया बढ़ गया। तो ये 4 कचौड़ी और अंडा का सब्जी का टोटल प्राइस हमें पड़ा है 32 रुपए। देखिए, 4 कचौड़ी दिया है, एक मटर का सब्जी दिया है, एक आलू का सब्जी दिया है और एक अंडा का सब्जी दिया है। तो अब ज्यादा देरी ना करते उसको टेस्ट करते हैं, पता लगाते कैसे करते। तो इसको पराठा बोलते हैं बट ये पराठा ऐसा लगता नहीं, आप देखो कचौड़ी लगता है। आप बताओ, कमेंट में बताओ क्या लगता है, हमको तो कचौड़ी लगता है, बट टेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, खुश होने कोई टेंशन नहीं बनना, बोले खुश हो जाने कोई टेंशन नहीं बनना। तो पराठा, पराठा जो है बहुत ही सॉफ्ट है और इनके पराठे में एक अलग ही मिठास है, होता है ना मीठापन, तो उस मीठापन और ये जो नमकीन सब्जी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मटर का सब्जी में मटर बहुत अच्छे से बॉइल्ड है, सब कुछ आलू आलू सब बहुत अच्छे से बॉइल्ड है। ये जो आलू का सब्जी है बहुत ही तीखा है, तो ये खाने में थोड़ा मजा आ रहा, स्पाइसी है बहुत, जिसको स्पाइसी पसंद है। और ये थोड़ा अंडा को भी टेस्ट कर लेते हैं, अब थोड़ा प्रोटीन ले लेते हैं अंडा का सब्जी। स्वीकृति दिया जावे ना रे भाई, स्वीकृति दिया जावे ना। ना ना, वो ये तो फुल लाइसेंस दिया है ना, लाइसेंस दिया है, फुल लाइसेंस दिया है।
लागे ना भाई? रेगुलर खाते हो जी? कैसा लगता है खाना? बढ़िया। मतलब सब्जी में कौन सा सब्जी बेस्ट लगता है तुम्हें? मटर का सब्जी बेस्ट है, आप लोग भी खा सकते हो। कुछ और बताना चाहोगे? मतलब कुछ इसमें तो इनके लिए इनको लगता है कि हल्दी का मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है, बाकी सब बेटर है, बहुत अच्छा है। बाकी सब बहुत अच्छा है ना भाई? देरी बाकी सब बहुत अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे आओ, टेस्ट करो, बहुत अच्छा बनता है। और चार पीस कचौड़ी बस 20 रुपए, तो 20 रुपए में आपका पेट भर जाएगा। तो आके आप लोग का टेस्ट करना बनता है। हम लोग इसको करते हैं फिनिश और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।